हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो भी आपके बहुत सारे राज्यों के नए नए राज्यपाल बनाए गए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और वो कौन से हैं। बिकॉज ये आपके करेंट जो आपके भी एग्ज़ाम होंगे 2019 में, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर कुल 10 राज्यों के राज्यपाल देखेंगे और लास्ट में आपसे कुल 10 MCQ भी पूछे जाएंगे, जिसके आपको आंसर्स भी हमें कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन किन राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। जैसे कि आपके हो गए बिहार, हो गए वेस्ट बंगाल, हो गए यूपी, हो गए त्रिपुरा, हो गए नागालैंड, हो गए मध्य प्रदेश, हो गए, इन सभी के आपके राज्यपाल बदले गए हैं। कुछ के राज्यपाल बदले जाने वाले, तो हम उन सभी के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड जिनका कि आपके 20 जुलाई को ही राज्यपाल चेंज हुए हैं, और राज्यपाल चेंज होके आपके कौन बने हैं तो RN रवि बने हैं, जिनके यहाँ पे आपको इस तरीके से पिक्चर देख गया है। हम यहाँ पे पिक्टोरियल इसके लिए देखते हैं, बिकॉज पिक्चर्स से भी दिमाग में इमेज बनता है और एग्ज़ाम में याद रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं नागालैंड के, जो कि हैं आपके RN रवि। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट बात करें बिहार के, तो बिहार के हैं आपके कौन, तो फागू चौहान, उनको यहाँ पे आपको नीचे इमेज भी दे के रखा है फागू चौहान का। तो ये भी आपको 20 जुलाई को ही बनाए गए हैं फागू चौहान। कुल 6 राज्यों के बनाए गए हैं और कुल 4 राज्यों के आगे बनाए जाने वाले, उन सभी को देख रहे हैं। उसी तरीके से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाई गई है अनुसुईया उइके। उसके पहले जो थी आनंदीबेन पटेल थी, अब वो चेंज होके अनुसुईया उइके बनी है और आनंदीबेन पटेल को दूसरे राज्य का कार्यभार दिया गया है। और ये जो अनुसुईया उइके हैं वो आपका कार्यभार कब से संभाल रही है, तो ये अभी ये कार्यभार में नहीं थे हैं, ये कार्यभार जो है 29 जुलाई से संभालने वाली हैं। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के हैं आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं वो आपके 22 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। इन्होंने भी अभी तक कार्यभार संभाला नहीं है, ये आपके 22 जुलाई से संभालेंगे। उसी तरीके से बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश की जो हैं वो हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि 24 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। इन्होंने भी अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। फिर उसी तरीके से बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के हैं कालराज मिश्र। तो जो कालराज मिश्र हैं वो भी 22 जुलाई से कार्यभार संभालने वाले हैं, इन्होंने भी अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। फिर बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के हैं लालजी टंडन, जो कि आपके पहले बिहार के थे और मध्य प्रदेश की पहले थी आनंदीबेन पटेल, और ये चेंज होकर अब लालजी टंडन बने हैं, और ये जो है 20 जुलाई से बनाए गए हैं। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो उनका इमेज आपको इस तरीके से दे के रखा है। फिर बात करें पश्चिम बंगाल के, यानी वेस्ट बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के आपके बनाए गए हैं कौन, तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वो आपके कब बनाए गए हैं, तो 20 जुलाई को ये भी बनाए गए हैं। फिर बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की जो है आनंदीबेन पटेल बनाई गई है, जो कि हमने आपको बोला पहले मध्य प्रदेश की थी और छत्तीसगढ़ की थी, अब ये यूपी में बनाई गई हैं आनंदीबेन पटेल। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं, और जो रमेश बैस है ये भी 20 जुलाई को ही बनी है त्रिपुरा के राज्यपाल। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिले कि कौन कौन से हैं जो बनाए गए हैं और कौन कौन से बनाने जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। आपका पहला जो MCQ है कह रहा है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फटाफट आप इसके आंसर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको फिर से आंसर बताती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल हैं लाल फागू चौहान, जो कि पहले लालजी टंडन थे। तो ये सारे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी अगर ये वीडियो ना देखेंगे तो लालजी टंडन लगा के आ जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये फागू चौहान आपका रियल करेंट आंसर है और ये बिल्कुल आपका करेंट क्वेश्चन में आएगा। फिर उसी तरीके से बात करें नागालैंड के राज्यपाल, तो इसके भी आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप आपने इतनी देर में कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो RN रवि है, यानी ऑप्शन नंबर D।
फिर बात करें उसी तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बोला, आपको सारे आंसर्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने ही हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये आपके कौन बनाए गए हैं, तो लालजी टंडन बनाए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऊपर के हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको ये सारे चीज़ अभी तुरंत माइंड में ज़रूर आ गए होंगे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के, तो यूपी के जो राज्यपाल बनाए गए हैं तो वो आपके कौन बनाए गए, हमने आपको ऊपर ही बताया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश के कौन बनाए गए हैं, तो आनंदीबेन पटेल बनाई गई हैं। तो ये थे आपके। फिर अब अगर क्वेश्चन रिवर्स करके या फिर छत्तीसगढ़ आपका बाकी रह गया, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है इसके भी आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब फिर नेक्स्ट है आनंदीबेन पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं, तो हमने अभी देखा कि आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश के आपके राज्यपाल हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करेंगे आचार्य देवव्रत के, तो आचार्य देवव्रत कहाँ के आपके राज्यपाल हैं, तो ये भी हमने ऊपर ही देखा है, आपको आंसर्स इसके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि ये जो आचार्य देवव्रत है वो कहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, और भी आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये सारे आपके हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताए। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से बात करेंगे तो आर एन रवि कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आर एन रवि हैं आपके, आंसर्स कमेंट बॉक्स में आई होप आपने कर दिए होंगे, तो वो नागालैंड के हैं। फिर बात करें तो कालराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसके भी आंसर सबको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर बात करें तो जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं। तो ये सारे आपके यहाँ पे से क्वेश्चंस बन रहे थे, इस तरीके से आपको रिवर्स करके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, आई होप आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करके भी ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर आप शेयर करो तो और भी स्टूडेंट्स को यहाँ से हेल्प मिल सके। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।